तो फ्रेंड्स, मैं राजन कश्यप स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉगीज ऑसम में। दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं कि प्योर लॉन्ग कोट की क्या पहचान होती है और आप प्योर लॉन्ग कोट को कैसे देखेंगे, कि मतलब क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखेंगे प्योर लॉन्ग कोट के लिए। तो आइए दिखाते हैं प्योर लॉन्ग कोट को आपको। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, जो लॉन्ग कोट डॉग होता है उसकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे लॉन्ग कोट डॉग की पहचान होती है। तो आइए देखते हैं, मैं आपको कुछ अपने जो एक्सपीरियंस के कुछ टिप्स हैं वो बताने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा और आपको कुछ समझ आएगा कि लॉन्ग कोट को कैसे पहचानें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, जो लॉन्ग कोट है उसकी एक तो टेल साइज बहुत ज़्यादा हैवी होगी, मोटी होगी और बालों से भरी हुई होगी, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद जो इसके थाइस होते हैं, थाइस जैसे पट के ऊपर बाल होते हैं, वो कम से कम 4-4, 5-5 इंच के घने घने से बाल होंगे, जो एक लॉन्ग कोट डॉग की बहुत अच्छी पहचान है। उसे पहचानने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब मेन बात मान के चलिए कि मेन बात है जो इससे आप लॉन्ग कोट डॉग को पहचान सकते हैं। और उसके साथ साथ दोस्तों, इसके जो कानों पे बाल होते हैं, कानों के अंदर तक इसके लॉन्ग कोट के बाल होते हैं, जिससे आपको लॉन्ग कोट डॉग पहचानने में बहुत आसानी होगी। और इसके साथ साथ दोस्तों, आप जो इस वीडियो के अंदर फीमेल को देख रहे हैं, ये देखिए प्योर लॉन्ग कोट की है। इसका जो बालों का साइज है, कम से कम 4-4, 4-4, 5-5 का बालों का साइज है। और दोस्तों, जो इस वीडियो के अंदर आप फीमेल को देख रहे हैं, ये एक 100 क्वालिटी फ़ीमेल है और विद KCI रजिस्टर्ड है। और आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर कि ये प्योर लॉन्ग कोट फीमेल है और प्रॉपर एंगुलेशन के अंदर और 100 क्वालिटी फ़ीमेल है। दोस्तों, अब ये लॉन्ग कोट की फ़ीमेल है और ये इसकी एज है 2 ईयर्स समथिंग। तो दोस्तों, नाम इसका सिमरन है और इसके बच्चे, इस क्वालिटी के पपीस हमारे पास अवेलेबल हैं। तो किसी को अगर इस क्वालिटी के पपीस चाहिए होंगे तो हमारे डॉगीज ऑसम में ज़रूर कांटेक्ट करिए। और दोस्तों, इस फीमेल के मैंने कुछ मूवमेंट्स मूव आपको दिखाता हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।